विदिशा जिल नहीं वापस इनकरेक्ट विदिशा में गणतंत्र दिवस के पूर्व पुलिस महकमे में सुरक्षात्मक कदम उठाए, कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए सीएसपी सहित देहात एवं शहर टीआई पुलिस जवान और डॉग स्क्वाड अधिकारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां लावारिस पड़ी वस्तुओं और यात्रियों के सामान की सघन जांच की व आसपास की होटलों में भी डॉग सहित पहुंचकर पूछताछ की। यह सब गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर हुआ। आगामी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बीटी स्क्वाड टीम स्नोबल डॉग और ये करके रेलवे स्टेशन और इसके सराउंडेड एरिया की पूरी चेकिंग कराई जा रही है। संदिग्ध लावारिस वाहनों के जहाँ भी खड़ी हुई है, धूल जमी हुई है, उनकी चेकिंग भी सुरक्षा की दृष्टि से कराई गई है। शासन की मंशा के अनुसार सभी क्षेत्र में सिविल लाइन थाना क्षेत्र कोतवाली और जिले में भी पूरी ये कार्रवाइयाँ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा के निर्देशन के अनुसार ये कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। और ये स्नाइपर डॉग है, यहाँ पे स्टेशन चेक करते हुए बिल्कुल दुरुस्त है। डॉग का नाम क्या? पुलिस डॉग रीता। अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि लगभग हुई है? यहाँ पर नटेरन क्षेत्र में हुई है और भी पहले चेक किया गया है तो जो भी कुछ पाया गया। कितनी पगार मिलती है इसको? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पगार का, अधिकारियों को जो आदेश है उस हिसाब से काम किया जाता, कोई फिक्स उसका कोई सैलरी नहीं है।